हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। मेरे गार्डन का थोड़ा लास्ट ओवरव्यू देख लीजिए, क्योंकि गार्डन में अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। तो क्या चेंजेस होने वाले वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में रोज़ की क्वांटिटी अब बढ़ने वाली है। वैसे भी फ्रेंड्स, मेरे पास अराउंड 60-70 रोज़ेस ऑलरेडी है, और दूसरे रोज़ेस मैं अपने गार्डन में ऐड करने वाला हूँ अलग अलग वेराइटीज़ के। उसके लिए मुझे गार्डन में थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी होगी, और मुझे सबसे पहले जो इंडोर प्लांट्स है, ये सारा इंडोर प्लांट्स मैं यहाँ से हटा दूंगा, यानी कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर लूँगा मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव्स से, और मैंने सबसे बात करके हुए रखी है। तो सब ये प्लांट्स निकल जाएंगे जो यहाँ पे जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं। और मे बी ये जो मधुमालती का जो पौधा है, ये प्लांट भी मैं हटा दूंगा यहाँ से। और ये जो प्लांट है, ये प्लांट का नाम मैं भूल गया हूँ, बहुत ही सुंदर फ्लावर्स होते हैं समर्स में, तो ये प्लांट भी निकाल दूंगा, और रात रानी का प्लांट भी मैं हटा दूंगा। यहाँ पे कुछ हाइबिस्कस है, वो हाइबिस्कस के प्लांट्स में ऑलमोस्ट सेम वेराइटीज़ के जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे मैं निकाल दूंगा, एक दो प्लांट ही रखूंगा, क्योंकि ये जितने भी आप हाइबिस्कस देख रहे हैं, ये सारे मैंने कटिंग से ही मल्टीप्लाई किए हैं और सेम वेराइटी है, तो ये सारे प्लांट्स मैं हटा देने वाला हूँ। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एरेका पाम है, एरेका पाम को मैं हटा देने वाला हूँ, और बाद में सॉन्ग ऑफ इंडिया का प्लांट है, वो भी मैं निकाल देने वाला हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऑलरेडी रोजेस की मैंने बहुत सारी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बढ़ा के रखी है, बहुत सारी वेराइटीज़ हो चुकी है अभी मेरे पास। तो धीरे धीरे ये प्लांट बड़े होंगे, थोड़े से और स्पेस लेंगे, तो इसीलिए मैंने दूसरे जो इंडोर प्लांट्स वगैरह थे वो मैं हटा देने वाला हूँ। हाइबिस्कस में ये एक मेरा पुराना वाला हाइबिस्कस है, जिसके ऊपर क्वांटिटी में फ्लावर्स होते हैं ऑरेंज कलर के, ये प्लांट हटा दूंगा। ये प्लांट थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा, इसलिए ये प्लांट को भी मैं हटा दूंगा। दूसरा जो अनार का पौधा है, अनार का पौधा भी मैं अपने गार्डन से निकाल देने वाला हूँ। ये जो हाइबिस्कस का प्लांट है, ये भी हटा देने वाला हूँ, और ये जो देसी हाइबिस्कस का प्लांट है, ये हटा देने वाला हूँ। चित्रक के जितने भी प्लांट्स यहाँ पे रखे हैं, वो सारे प्लांट्स हट जाएंगे। तो कुछ ऐसी चेंजेस मैं अपने गार्डन में करने वाला हूँ, ताकि और ज़्यादा स्पेस क्रिएट हो, क्योंकि अभी टोटली में जो मेरा फोकस है वो रोजेस के ऊपर है और हाइबिस्कस के ऊपर है। हाइबिस्कस में जनरली जो भी कॉमन वेराइटीज़ है, जो सबसे ज़्यादा है मेरे पास, वो सारी निकल जाएगी, उसकी जगह पे मैं धीरे धीरे नई वेराइटीज़ ऐड कर सकूँगा। तो हाइबिस्कस और रोजेस ज़्यादातर आपको मेरे गार्डन में देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ मेरे फेवरेट प्लांट्स हैं, जैसे कि जो इग्जोरा है, वो हमेशा मेरे यहाँ फ्लावरिंग्स दे रहा है। जो क्रोसेंड्रा का प्लांट है, वो हर समर सीजन में मुझे बहुत ही खूबसूरत बिना मेहनत के फ्लावर्स दे रहा है, वो मैं रहने दूंगा। मे बी ये लेंटेना सारे निकल जाएंगे। पॉट मेरे कॉस्टली है, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, नहीं तो अगर वो मिट्टी के गमले में होते तो मैं इसको कब से निकाल देता। तो ये कुछ चेंजेस मेरे गार्डन में होने वाले हैं, बहुत ही जल्द ये सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे प्लांट्स कम होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ होगी, तो एक छोटा सा अपडेट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ प्लांट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।